यानी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कुल मिलाकर, यानी कि समाज के अंदर अगर जागरूकता आ जाए तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक दुखद खबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता और मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे और ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना ने 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा को भी हमसे छीन लिया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दुनिया का भविष्य संवारने के लिए उन्होंने जिन मुद्दों के लिए आजीवन संघर्ष किया, उसने उन्हें अमर कर दिया। आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान के आगे नतमस्तक रहेंगी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पर्यावरण के गांधी सुंदरलाल बहुगुणा को 8 मई को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, लेकिन वे महामारी से पार नहीं पा सके और आज दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने प्रकृति के साथ रहने के हमारे सदियों पुराने तरीके की वकालत की। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा ने 60 के दशक में वनों और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। उनकी प्रेरणा से 1974 में चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं। ये विरोध चिपको आंदोलन के नाम से फैल गया और उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।